अस्सलाम वालेकुम, मैं नवीद कसूरा, आप देख रहे हैं नवीद व्लॉग्स। आज की वीडियो का टॉपिक थोड़ा अलग है क्योंकि लगातार एक पंजाब मेडिकल फैकल्टी पर तकरीबन आज मैं चेक कर रहा था प्लेलिस्ट में तो 100+ वीडियो हो चुकी थी, तो मुझे भी खुद भी अजीब लग रहा था। एक टॉपिक है बार बार उसी की एक पर वीडियो बना रहे हैं, आपके क्वेश्चन भी आ रहे हैं। अब लेकिन अब कुछ नया करने जा रहे हैं, आप लोगों ने गाइड भी करना है कि क्या अच्छा है या बुरा है, और उसके अलावा पंजाब में फैकल्टी या फार्मेसी काउंसिल का कोई इशू आ जाता है या आपका कोई मेन क्वेश्चन है जिस पर मुझे वीडियो लाजमी बनानी पड़ी, वो भी आपने कमेंट्स करने हैं। वो मैं अब इस तरह करूँगा क्योंकि कमेंट्स मेरे पास प्लेटफार्म आता है कि जितने मेरे चैनल पर कमेंट्स आ रहे हैं, अगर एक ही क्वेश्चन पर 10 लोगों ने कमेंट्स किया तो फिर मैं उसका जवाब दूंगा, अदरवाइज़ नामुमकिन, क्योंकि एक बंदा कमेंट्स कुछ कर रहा होता है, कभी कुछ कर रहा होता है, तो ये एक अजीब सा लगता है और वो चीज़ें पूछते हैं जो ऑलरेडी मैं बता चुका होता हूँ। बहरहाल आपका टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, अब मैं जो करने जा रहा हूँ, आप एक कमेंट्स आया मेरे पास कि भाई जान ये तो आप लगातार डिस्पेंसर लाए बक्सरे OTT डिस्पेंसर के पीछे लगे पड़े, कुछ ऐसा करें जो स्टूडेंट्स के लिए भी नॉलेज हो और हर आम और ख़ास बंदे के नॉलेज में हो। अब जो मैं करने जा रहा हूँ मुख्तलिफ दोस्तों के साथ मशावरत के बाद, डॉक्टरों के साथ मशावरत के बाद और यूट्यूब पे सर्चें गूगल के सर्च करने के बाद मुझे जो चीज़ें कमी नज़र आई हैं, मुख्तलिफ लोगों ने सही गाइड नहीं किया हुआ लोगों को। अब वो क्वेश्चन ये आ रहा है कि मेडिसन आजकल आपके सामने हर एक कंपनी है, हर कंपनी हर नाम अलग अलग से हो रहा है, डॉक्टर कुछ लिख रहा है कंपनी मेडिसन, कुछ लोग डॉक्टर तो ऐसे हैं खुद के प्रोडक्ट लॉन्च करवा रहे हैं। तो अब सबसे पहले मैं आपको आगाह करूंगा कि मेडिसन होती क्या है। मेडिसन तीन नाम होते हैं, एक होता है केमिकल नेम, जो केमिकल तैयार किया जाता है उनका एक नेम होता है, मतलब मुख्तलिफ चीज़ों से एक केमिकल तैयार होता है, केमिकल के बाद फिर आगे एक जेनरिक नाम होता है, जेनरिक नाम के बाद फिर तिजारती नाम होता है जिसे ब्रांड नेम भी कहा जाता है। तीन नाम है। अब मैं करूँगा ये कि एक मेडिसन लेंगे जैसे कि कालपोल है, कालपोल का सबसे पहले आपको उसका पता बताऊंगा कि उसका मॉलिक्यूलर केमिकल क्या नेम है, उसके बाद उसका फार्मूला क्या है, उसके बाद इसकी कौन कौन सी कंपनी है और कौन कौन सी कंपनी की कितनी प्राइस है, इसके क्या इस्तेमाल है, मतलब अब कालपोल है, पैरासीटामोल है, इसके अंदर पैनाडॉल आ रही है, बाकी भी जिसे एक दूसरी काफ़ी सारी हैं, वो जैसे ही मैं सर्च करूँगा वो उसी तरह की आपको सीरीज़ मिलेगी। अब आपको प्राइस भी बता दूंगा इंशाल्लाह, मैं कोशिश करूंगा क्योंकि अब साइंस और अथॉरिटी बाकी जितने भी प्रोफेशनल हैं वो यही उनको रिक्वायरमेंट होती है डॉक्टर को कि आपने हमेशा क्या फार्मूला नेम लिखना है, मतलब एक ब्रांड नेम नहीं लिखना, जेनेरिक नाम लिखना है। वो लिखने के बाद पेशेंट जाएगा, मरीज़ जाएगा स्टोर पर, आगे फार्मासिस्ट बैठा होगा, उसके पास जब फार्मूला लेके जाएगा तो फिर मरीज़ बताएगा, फार्मासिस्ट बताएगा कि भाईजान ये मेडिसिन है डॉक्टर ने लिखी है, इस पर्पज़ के लिए है और इसके ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान है। अब आप इसकी मुख्तलिफ कंपनियाँ बना रही हैं, फ़लाँ कंपनी की ये प्राइस है, फ़लाँ कंपनी की ये प्राइस है, फ़लाँ कंपनी की ये प्राइस है, फिर वो अपने लेवल स्टैंडर्ड पैसों के हिसाब से फिर खुद चॉइस करता होता है, फिर आगे वो खुद इस्तेमाल करेगा। अब मैं किसी कंपनी को हिट नहीं कर रहा, अब मैं ये बताऊँगा कि फ़लाँ एक फार्मूला है, ठीक है, उसकी फ़लाँ कंपनियाँ बना रही हैं और इस कंपनी का ये फ़ायदा नफ़ा नुकसान ये मेरी एक स्टैंडर्ड नहीं है, ना मुझे इजाज़त देती है खुद का कि मैं किसी कंपनी के बारे में अच्छा बुरा कहूँ, वो एक अलग है, वो आप पर ही कन्फ्यूजन डाल देंगे, वो सारे सवाल आप पर ही मैं डालूंगा, वो आपने खुद ही बताना है कौन सी कंपनी कैसी है जब मैं ब्रीफ करूँ। कहने का मतलब ये है मैं हर एक मेडिसिन के नाम, उसका इस्तेमाल और आम तौर पर लोग किन मर्ज़ों में ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, डॉक्टर किन मर्ज़ों में ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे अजिथमा है, एंटीबायोटिक है, पेन किलर है, एंटी एलर्जी है, उल्टी वाली हैं, चक्रों वाली हैं, कितनी भी मेडिसिन है उनके फार्मूले, और उनके अलावा स्टूडेंट्स को ये फ़ायदा होता है जब एक ब्रांड नेम आता है, जेनरिक के नाम आता है, एक फार्मूला आता है, तो फिर उसको तकरीबन एक कोशिश करूँगा हर एक मेडिसिन के ना 10 कंपनियों का नाम बताऊँ जो मशहूर हों, टॉप ट्रेंड पर आ रही हों, मतलब एक पैरासीटामोल, उसकी जितनी भी 10 कंपनियाँ मशहूर होंगी उनके नाम बताऊंगा और उसका रेट बताऊंगा, क्योंकि वीडियो भी शार्ट बनानी है और आपको भी इस चीज़ का नॉलेज मिलेगा। तो ऐसा ऐसा इंशाल्लाह आपने बताना है कि क्या कैसे अमल करना चाहिए, क्या इस और क्या मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मोस्टली हर बंदा घर से या माँ के पेट से नहीं सीख के आता,
आप लोग बताएंगे, मैं वो सर्चिंग, मेरे पास तकरीबन तमाम वसायल हैं जो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। आपने मुझे और भी टॉपिक बताने हैं ताकि मैं उस पर भी आपकी मदद कर सकूँ, क्योंकि एक पंजाब म्यूनसिपैलिटी के ऊपर लगातार रहना, फार्मेसी पर लगातार रहना एक अजीब सा लगता है। अब इंशाल्लाह कल एक मशहूर, अगर आप कहें कि कौन से फार्मूले पर बनाएं या मल्टीविटामिन पर बनाएं, जिस फार्मूले में कहेंगे उस पर मैं वीडियो कल बना के इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा। तो बाकी मेरिट लिस्ट है, तकरीबन 10 से 15 दिन तक लग जाएंगी। और उसके अलावा आई नए शेड्यूल भी आ गया है कि लोग FSC की इक्वल जो डिग्री करवाना चाह रहे हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो भी इंशाल्लाह उस पर भी क्वेश्चन वीडियो बनाएंगे। एक और है कि पंजाब म्यूनसिपैलिटी के जितने भी कोर्सेज हैं या फार्मेसी काउंसिल है, इनकी गैर मुल्क में जैसे सऊदी अरब है, दुबई है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, जितने भी कंट्रीज हैं उनमें क्या उनकी जॉब वगैरह लग सकती है या नहीं लग सकती, इस पर भी वीडियो बनानी है। वीडियो के टॉपिक बाकी भी हैं लेकिन मैं थोड़ा चेंज करना चाह रहा हूँ ऐसे ऐसे उन पर भी, इन पर भी, ताकि आम मुझे भी फ़ायदा हो, मेरे नॉलेज में भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मेरे कॉलेज के स्टूडेंट हैं वो भी देखते होते हैं, उनको भी ये फ़ायदा हो और आप लोगों को भी फ़ायदा हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह ने के बाद शुक्रिया।